अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया फूडी में आप सबके लिए लेकर आई हूँ मटन रोल की रेसिपी। तो चलिए हमारी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन को बॉईल कर लेंगे। तो सबसे पहले कुकर में मैं मटन ले रही हूँ 250 ग्राम। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ नमक हंसने जाएगा। और अभी मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और हमने इस कुकर का ढक्कन लगा लेना है और हमने इसकी 4 से 5 सीटी ले लेनी है। तो तब तक मैं यहाँ डो तैयार कर लूंगी। मैंने 1 कप मैदे का आटा लिया हूँ बड़ा सा। इसमें मैं 1/2 कप तेल ऐड कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। तो देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 सूखी लाल मिर्च ली हूँ। उसे मैंने 10 मिनट पहले पानी में सोक करके रखी थी। इसे हम अब ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर ली हूँ। तो चलिए हम सॉस तैयार करते हैं। तो सॉस के लिए मैं एक हांडी में तेल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले मैं 1/2 कप इसमें डाल रही हूँ लहसुन। इसे मैंने चॉप कर ली अच्छे से। तो मैं इसे अच्छे से सॉटे कर रही हूँ। तो ये लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने मिर्चों का पेस्ट तैयार किए थे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, ये सब मैंने इसमें डाल दी और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मैं 1 कप में 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैदा। और मैदे का बैटर मैं हमारे सॉस में ऐड कर रही हूँ। तो हमने थोड़ा टाइम इसे चम्मच चलाना है ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो सॉस हमारा तैयार है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। तो 4 से 5 सीटी हमारी हो चुकी है। गोश्त हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बॉइल मटन हमने निकाल लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इस अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कलर ऑरेंज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई पैन पे हल्का सा स्टोव फ्राई कर लेंगे। हमने इस पे थोड़ा सा ऑयल डाले थे। हमने इसे अच्छे से फ्लिप कर लेना। तो ये स्टोव फ्राई हो चुका है। हमने इसे निकाल लेना है। तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम रोटी बेल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आटा टोस्ट कर लूंगी और एक रोटी तैयार कर लेंगे।
देखिए रोटी हमने बेल लिए हैं, अब हमने इसे सेक लेना है। अब इसे हमने फ्लिप कर लिया है, दोनों तरफ से हमने इसे अच्छे से सेकना है। थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे हम, इसे फ्लिप करके अच्छे से सेक लेंगे। देखिए अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसमें बीटेड एग डाल देंगे थोड़ा सा और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी पे। और इसे फ्लिप कर देंगे। तो देखिए अभी बिल्कुल तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। तो अभी हम इसमें मटन रख देंगे ऊपर जो हमने तैयार किए थे। अभी ऊपर से हम अनियन लगा देंगे कटे हुए और साथ ही साथ शिमला मिर्च लगा लेंगे कटे हुए। ऊपर से जो सॉस हमने तैयार किए थे वो डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारी सेक लेंगे। तो देखिए ये हो गई है अब तैयार, अब हमने इसे सर्व कर लेना है। तो देखिए मटन रोल हमारा सर्व होकर बिल्कुल तैयार है, अब हम आपको इसे टेस्ट करके बताएंगे। बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना।